नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों गदर टू का ये लास्ट एपिसोड है क्योंकि अब जो कलेक्शन की रिपोर्ट है वो एक्चुअली आ नहीं रही है। जो सेक्रिल का उसने तो 48 डेज के बाद में ही रिपोर्ट देना बंद कर दिया था और बाकी अन्य जो बड़ी वेबसाइट है वहां से भी कोई ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं आ रही और जहां से रिपोर्ट्स आ रही है वो उतनी ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। और दोस्तों वैसे भी गदर टू ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी वो हकदार थी। पठान का रिकॉर्ड तोड़ना था वो तोड़ चुकी है और देश को खुशी से बढ़ दिया, ये आप जानते ही है। तो 524.75 करोड़ का जो ऑफिशियल कलेक्शन आया था उसके बाद में बड़ी वेबसाइट से कोई ज्यादा रिपोर्ट्स आ नहीं रही है। मैंने कई जगह से रिपोर्ट देखने की कोशिश की तो अभी जो 55th डे आज फिल्म का अभी भी फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है, बहुत कम शोज है। अभी तो करीब 150 के आसपास शोज है, अभी ज्यादा शो नहीं है फिल्म के पास, 150-200 की रेंज में शो है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि कितने शोज है तो एक्चुअल शो काउंट तो मैं भी नहीं कर पाया लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ कि 150-200 शोज के आसपास है फिल्म के पास, ज्यादा शो अभी नहीं है और अभी ये दिनों दिन कम ही होंगे। कल फिल्म दोनों रिलीज हो रही है, इसके अलावा दोस्तों मिशन रानीगंज जा रही है 6 अक्टूबर को। तो अभी गदर टू का लाइफ टाइम कलेक्शन ही मान के चलिए कि आप ये लाइफ टाइम कलेक्शन ही है। तो अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है 527 करोड़ की है, 527.10 करोड़ की। आज ये फिल्म करीब 10 लाख के आसपास बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाली है। तो अब गदर टू का सफर यहीं पे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम कलेक्शन एंड हो चुका है सफर और ज्यादा कलेक्शन आएगा नहीं। हो सकता है कि 5-10 दिन फिल्म कुछ शो में चलती रहे तो उसके ज्यादा कलेक्शन आएगा नहीं, 5 लाख 4 लाख इस रेंज में कलेक्शन आएगा। और प्रोड्यूसर कोई फिगर जारी नहीं कर रहे दोस्तों क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो लास्ट फिगर जारी किया था वो 524.75 करोड़ रुपए का किया था, उसके बाद में उन्होंने प्रोड्यूसर ने कोई फिगर जारी नहीं किया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद संडे को या मंडे को जारी करे लेकिन नहीं कर रहे। तो अब थर्सडे को या फ्राइडे को अपन उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एक फाइनल फिगर उन्हें जारी कर दे लाइफ टाइम कलेक्शन का, तो हो सकता है कि वो फिगर आ जाए। अदरवाइज नहीं आता है तो फिर प्रोड्यूसर भी खुश है कि चलो पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और टोटल आप ये मान के चलिएगा कि 527 से 528 करोड़ की रेंज में इसका लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा गदर टू का। तो आपने गदर टू को इतना सपोर्ट किया, इतना ज्यादा चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। और आपसे ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि मैं कि गदर टू से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी, ओटीटी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फिल्म रिलीज होने वाली है ओटीटी पर, पहले 6 अक्टूबर की डेट आई थी, अभी 13 अक्टूबर के बारे में G5 पे रिलीज होने वाली है। तो वहां से कोई अगर रिपोर्ट आती है तो मैं आपको जरूर दूंगा। और गदर 3 के बारे में या सनी देओल सर की कोई भी फिल्म जो आने वाली है उसके बारे में लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। और सनी देओल सर की मैं एक सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, उसका भी आज वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। तो लगातार आप बने रहे और चैनल को सपोर्ट करते रहे और मैं तो आपको हर तरह से मतलब सारी अपडेट्स देने की कोशिश की है लगातार और ईमानदारी से देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रिपोर्टिंग, लगातार आपसे बात होती रहेगी। आप चैनल पे बने रहिए, हर वीडियो देखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि सभी फिल्मों की रिपोर्ट आपको लगातार यहाँ पे मिलती रहेगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किया तो। और कोई भी रिपोर्ट आएगी, अगर ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाती है गदर टू की इस वीक की या फिर मंडे तक भी, तो फिर मैं दोबारा एक वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। ठीक है, जय श्री राम, जय बोलिए।